नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आ गए आपके लिए एक और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो लेके। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक बताने वाला हूं कि आपको ऐसी कौन सी टैटू हैं जो आपके किस पार्ट पे टैटू बनवाएंगे, वो टैटू जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा लोगों को, और ऐसा कौन सा एक पार्ट है उस टैटू पर अगर आपने टैटू बनवाया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और किसी तरह का इन्फेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा और केयर करने में भी आसानी होगा। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि टैटू बनवाने के बाद में उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या अगर इतना नहीं होता कि भाई आपने टैटू बनवा दिया, टैटू बनवाने के बाद में सब बात खत्म, नहीं, उसके बाद 15 दिनों तक आपको उस टैटू की केयर करनी होती, उसके बाद ही आपका टैटू एक प्रॉपर रंग ले पाता है, प्रॉपर टैटू निकल के आ पाता है। इसलिए हमेशा की तरह से आपका भाई एक नई बात समझाएगा आपको, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट और बेनिफिट साबित होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग अपने टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं या टैटू बनवा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इस भाई के चैनल पर पहली बार आए हो, तो पहली बार इस भाई को देख रहे हो, तो चैनल के जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि भाई आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। चलिए वीडियो को आगे की तरफ ले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आपको पहले ऐसी मैं बात बताऊंगा कि आपको ऐसी कौन से तीन पार्ट पे अगर टैटू आप बनवाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके टैटू को अट्रैक्टिव फील हो, कोई भी लोग अगर आपके पास में से निकले, आपको टैटू को देखे, उसकी नज़र तुरंत पड़ते ही आपसे पूछे भाई कि हाँ ये टैटू कैसा है, भाई कहाँ से बनवाया, अट्रैक्टिव एक सेक्सी लगने वाला टैटू, जो आपको मैं तीन पार्ट ऐसे बताऊंगा, अगर आपने अपने टैटू के तीन पार्ट में से कोई भी एक टैटू बनवाया है तो आप अट्रैक्टिव लगने वाले हो, हजारों की भीड़ में से आप अलग ही दिखने वाले हो। क्योंकि टैटू हर एक इंसान इसलिए ही बनवाता है क्योंकि एट्रैक्टिव फील होने के लिए, क्योंकि लोग अगर आपको देखे तो उन सामने वाले इंसान की नज़र आपके ऊपर गड़ी की गड़ी रह जाए। इसलिए एक नया वर्जन चल चुका है, ट्रेंड में अभी आ चुका टैटू। टैटू अगर आपने बनवाया तो आपको सब लोग देखेंगे ऐसे, पर हर लोग नहीं देख सकते ना भाई, क्योंकि अगर आपने ऐसे टैटू बनवाया रखा है, ऐसे पार्ट पे बनवा रखा है तो हर लोग देखेगा। अब तीन ऐसी कौन सी पार्ट है शरीर में, आप किस जगह पे टैटू बनवाओगे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक्सेसिल सेक्सी लगने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो है आपके गर्दन के नीचे के हिस्से में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गर्दन के नीचे के हिस्से में टैटू बनवाते हो तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टैटू है, बहुत ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है, लोग इस जगह को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अपने टैटू बनवाने के बारे में। सेकेंड आता है जो लड़कियां इसे बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, अपने कान के पीछे के हिस्से में, मतलब कान के निचले हिस्से में टैटू बनवाते हैं, तो उन वो लोग भी लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील होती है। हम लड़कों का भी खासकर उसी चीज़ पर ध्यान जाता है कि कान के पीछे का टैटू लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील साबित हुआ है। तीसरा है लड़कों के लिए, लड़कियां भी इसे फॉलो करती हैं लेकिन लड़कियों से ज़्यादा कंपैरिजन में लड़के इस टैटू को ज़्यादा फॉलो करते हैं अपने हाथों की उंगलियों के ऊपर। भाई आपने देखा होगा हाथों की उंगलियों के ऊपर पिक्चरों में भी, और उसके बाद आप रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कई लोगों को कि वो अपने हाथों की उंगलियों के ऊपर टैटू बनवाते हैं। हाँ, ये तीन टैटू आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा अगर आपने तीनों में से भी किसी एक पार्ट पर टैटू बनवाया है तो। अब वो कैसे, अगर आपने इसके, हाँ भाई, तीनों टैटू बनवाने से पहले एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप तीनों टैटू बनवाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील लगने के लिए आपको थोड़ा सा दर्द तो सहन करना ही होगा। लेकिन चलो तो कोई बात नहीं, इस जगह पे छोटे छोटे टैटू बनते हैं, छोटे कम मात्रा में टैटू बनते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा दर्द भी सहन करना नहीं पड़ेगा। अब ये तो रही बात आपको ऐसे तीन टैटू कौन सी जगह पे बनवाने चाहिए जो आपको अलग भीड़ में से लोग बता सके, अट्रैक्टिव बता सके। अब मैं आपको ऐसा एक पार्ट बताऊँगा, अगर आप अपने टैटू को बिना किसी इन्फेक्शन के एक अच्छा रूप देना चाहते हैं, और या ऐसे लोग भी होते हैं जिसे टैटू बनवाने से डर भी लगता है दर्द के वजह से, बहुत लोग क्या करते हैं दर्द के वजह से टैटू नहीं बनवाते, तो उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपने टैटू को बिना कम दर्द के बनवाना चाहते हैं तो आप अपने हाथों के अंदर की कलाई के अंदर की ओर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कलाई के अंदर की ओर आप टैटू बनवाइए, लेफ्ट एंड राइट पे, सेंटर में भी आप बनवा सकते हो, तो इस पार्ट पे कम से कम दर्द होता है और इसी पार्ट पे लोग ज़्यादा से बड़े टैटू यही बनवाते हैं, इसलिए कम दर्द होने की वजह से ही लोग इस जगह को ज़्यादा चुनते हैं अपने टैटू के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस जगह पे आपने टैटू बनवाया है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा इस पार्ट पे, अगर आप
कहीं भी आप इस पार्ट पे टैटू बनवाया तो आपको इन्फेक्शन ना के बराबर देखने को मिलेगा और आपके कलाई के अंदर के भाग में होने की वजह से आप उसकी केयर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको टैटू बनवाने से डर लगता है या अपने टैटू के दर्द की वजह से आप टैटू नहीं बनवा सकते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप अपने कलाई के अंदर के हिस्से में टैटू बनवा सकते हो। आप भी वहाँ टैटू बनवा के अपने टैटू बनवाने का शौक को पूरा कर सकते हो क्योंकि उस पार्ट पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता अगर आप टैटू बनवाते हो। तो इसलिए दोस्तों, आप कलाई के अंदर के हिस्से में टैटू वहाँ बनवा सकते हो। जिन लोगों को टैटू बनवाने का शौक है वो शौक पूरा नहीं कर सकते। चलो जाते जाते दोस्तों, मैं आपसे एक पर्सनल एक राय देना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी तीन हिस्से के किसी भी टैटू बनवाना चाहते हो किसी भी तीन पार्ट पे, तो मेरी आपसे पर्सनल तौर पर राय है, आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट पे ही टैटू बनवाइए, ना कि किसी रोड साइड आर्टिस्ट पे टैटू बनवाइए। क्योंकि ये जगह ऐसी होती है, अगर आपने एक बार वहाँ टैटू बनवा लिया ना भाई, अगर आपका टैटू अच्छा बन गया तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक अट्रैक्टिव फील होने का मौका मिल जाता है। और उसके बाद भी आप अगर आपने 100-500 रुपए का मुंह देख लिया तो भाई आप रोड साइड टैटू आर्टिस्ट पे टैटू बनवा लेते हो, तो जिसके कारण से अगर वहाँ टैटू हल्का सा भी बिगड़ा ना तो भाई वहाँ का टैटू आपको इतना ज़्यादा भद्दा दिखने लगेगा, वो जगह ही पूरी भद्दी दिखने लगेगी, आप इन लोगों के बीच में मजाक बन के रह जाओगे। इसलिए मेरी आपसे खास राय है, अगर आप टैटू बनवाना चाहते हो उस तीन पार्ट पे जो कि बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लगे, तो आप भाई प्रोफेशनल आर्टिस्ट पे ही टैटू बनवाइएगा। तो दोस्तों, जाने से पहले भाई मेरी भी एक आपसे बात बताना चाहता था कि भाई मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपने हाथों के उंगलियों के ऊपर टैटू बनवाऊँ, लेकिन मैं किसी कारणवश से नहीं बनवा पाया क्योंकि मेरी स्किन डार्क होने की वजह से वहाँ का टैटू मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा या लोगों को भी नहीं दिखेगा, वो बहुत ज़्यादा भद्दा वहाँ पे दिखेगा। इसलिए अगर आपकी स्किन फेयर है तो भाई मेरी आपसे पर्सनल राय है, मेरी भाई आप उस टैटू को बनवाने के बारे में एक बार ज़रूर सोचना। खास करके मेन लोग जो लड़के हैं भाई आजकल के जनरेशन के, वो अपने हाथों के उंगलियों के ऊपर टैटू बनवाइए। अगर आपका टैटू ना अट्रैक्टिव फील दिखना तो भाई आप कुछ भी कर दीजिए कमेंट में ला के। भाई मेरी आपसे सच बोलता दोस्त, अगर आपने हाथों के उंगलियों के ऊपर टैटू बनवाया ना भाई, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव साबित होने वाला है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे दोस्तों, लेंगे अब आपसे विदाई। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना और भाई अपने भाई की फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइए। भाई बस एक प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आप अपने भाई की फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, आपकी एक प्रेस से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।